हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 जारी हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का वेट था कब आएगा कब आएगा, और ये बहुत दिन बाद है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कैसे तैयारी करना है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इन सब के बारे में बताऊंगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। 3,000 से ज्यादा पोस्ट है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी आउट की गई है, और पोस्ट नेम असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप जब नेट क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, एंड देन जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग आपका आपका बहुत मिनिमम वेज होता है, बहुत मिनिमम सैलरी होती है। लेकिन ये पीसीएस वाला है, और यहाँ पर जब असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पे स्केल स्टूडेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, और ये सब स्टेट, बहुत ज्यादा स्टेट यहाँ पर ये वैकेंसी लेके आती है। तो बात करते हैं, यहाँ पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 है। 3,000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेगा। आपका पे स्केल भी यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा स्टूडेंट। यहाँ पर लोकेशन, आपको हरियाणा जाके असिस्टेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर जाके करेंगे, देखेंगे। ओके, अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो स्टूडेंट मेल जनरल अदर स्टेट है तो 1,000, मेल फीमेल अदर है तो 250 है, हरियाणा के है तो 0 है, और पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अगर बात करूं डेट कब से स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप फरवरी तक आ जाएगी, मार्च तक जा सकता है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, लेकिन ये आएगा। ओके, न्यूज जारी हो चुकी है, आएगा, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने के विद इन आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा कि आप यहाँ पर तैयारी करें, राइट? तो अभी से, जिस दिन से आपने ये चीज सुना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, डेट को मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। यहाँ पर 3,000 से ज्यादा पोस्ट स्टूडेंट, बार बार मैं बोल रही हूँ। आपकी एज लिमिट 18 से 42 ईयर तक है, आपका एलिजिबल है, आपका एज यहाँ तक होगा। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिस सब्जेक्ट में आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर इकोनॉमी से किया है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेट क्वालिफाई होना चाहिए स्टूडेंट। विदाउट नेट आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेट या हरियाणा का सेट, कोई और स्टेट का सेट नहीं चलेगा। अगर हरियाणा का सेट है और अगर आपका पीएचडी है, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट होना चाहिए या हरियाणा का सेट होना चाहिए या आपके पास पीएचडी होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में एक और चीज आती है स्टूडेंट, 10th, ओके, 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलाकर इन चारों में से किसी दो में से आपका 50% एग्रीगेट बनता है। ओके, किसी दो में एग्रीगेट आपका एवरेज 50% मिलता है तो भी एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि पहले नहीं था। पहले जो था 10th 12th ग्रेजुएशन का था, आप पोस्ट ग्रेजुएशन को भी ऐड कर दिया है। इन चारों में से अगर किसी दो में भी आपका 50% बनता है तो आप एलिजिबल हैं, और ये गुड न्यूज है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मीट नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो अब देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, नंबर ऑफ वैकेंसी स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर
बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट में वैकेंसी बहुत है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मीन्स आप एलिजिबल है, तो तैयारी बहुत जम के कीजिए और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का गोल अचीव कीजिए। यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इस प्रकार से आपका होगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बात करें तो आपका नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2 आवर का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यहाँ पर होगा। कुछ भी चेंजेस होता है आपको हम नोटिफाई कर देंगे। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उससे 90 क्वेश्चन मार्क्स 90 का होगा और हरियाणा जीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। और भी आपको जैसे सिलेबस क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सिलेबस है, तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट एवरीवन, तैयारी कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना, और भी बहुत सारे स्टेट है जो कि अभी आउट करने वाले हैं वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।